अगर हमें इस मोटर का टेबल फैन बनाना है तो हमें इसको केवल 5 से 10% ही थ्रोटल पर चलाना होगा। तो देखिए बस, इनफैक्ट इससे भी कम। ओके दोस्तों, वेलकम माय ट्यूब चैनल अगेन। मेरे ट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पास जो BLDC मोटर है, ये देख सकते हैं ड्रोन की मोटर है, इसको टेबल फैन की तरह हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है, तभी हम इसको टेबल फैन की तरह यूज कर सकते हैं और 8 से 10 घंटे चला सकते हैं। ठीक है, जानेंगे इस वीडियो में, आइए समझते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे पास ड्रोन की मोटर है और इस मोटर के जो RPM है वो मैं आप लोग को बताऊं। सीरियस बैटरी पर आप देख सकते हैं 1000 लिखा है, यानी कि 1000 यानी कि 1000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे KV यानी जितनी वोल्ट है सीरियस बैटरी, तो 11 से कर सकते हैं तो 11 से कर लेंगे, तो यानी कि 11000 RPM पे मोटर चल सकती है। ठीक है, 11000 RPM पे मोटर काम कर सकती है मैक्सिमम। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है इसके RPM बहुत होते हैं, तो ये जो ड्रोन मोटर है इसके आगे आप देख सकते हैं मैंने काफी बड़े ब्लेड लगा दिए हैं, प्रोपेलर्स लगा दिए हैं। ठीक, ये अच्छे से इसको माउंट कर देंगे, टाइट कर देंगे, ये नीस में से शाफ्ट में से लूज नहीं रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हम ESC, उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो मोटर है हमारी ये 3 फेज की मोटर होती है, ये देखिए 3 वायर यानी 3 फेज से चलेगी, और इसको 3 फेज कहाँ से मिलेगा, ये ESC यूनिट कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। ठीक है, और ये ही 3 फेज बना के मोटर में वोल्टेज भी भेजता है। ठीक है, एक तरीके से कन्वर्टर भी है। तो यहाँ पर ये ESC कनेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट करी है, 3 सेल को मिला के हमने ये बैटरी बनाई है, 3S बैटरी कहलाती है, इसमें 3 सेल है यानी कि 11.1 वोल्ट की ये बैटरी हो गई, 12 वोल्ट की बैटरी कह सकते हैं, ये कनेक्ट कर दी। अब इतना होने के बाद इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें एक सर्वो टेस्टर लगाना होता है, तो ये है सर्वो टेस्टर, ये हमने सर्वो टेस्टर कनेक्ट कर दिया, अभी 0 नॉब पर है, और इसमें कई सारे मोड होते हैं, हमें मैनुअल मोड पर चलाना है, दूसरा न्यूट्रल है, तीसरा ऑटो है, लेकिन हमें इसको मैनुअल मोड पर चलाना है। और यहाँ पर हमने सर्वो टेस्टर की पिन आउट वाली इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर दी, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इस मोटर को चला के आप लोग को दिखाता हूँ, आप इसकी नॉइस पर ध्यान दीजिएगा, इसके शोर पर कि कितना नॉइस करती है, कितनी आवाज करती है, उस पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको चलाऊंगा, 10% से स्टार्ट करेंगे, अब आप इसकी एयर फ्लो देखिए, एयर फ्लो सुनिए आप इसका, तो दोस्तों यह है इसका एयर फ्लो, केवल 5 से 10% ही मैंने थ्रोटल दिया था, एक्सलेटर दिया था, ये हम कह सकते हैं उतने पे था। अगर मैंने इसको फुल कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसको फुल कर दिया तो इसके RPM बहुत ही ज्यादा होते हैं, और फुल RPM के केस में ये मोटर ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे, मैक्सिमम से मैक्सिमम आधे घंटे ही चलेगी, उसके बाद इसकी ESC बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, यानी कि ESC सबसे पहले खराब होगी, उसके बाद ये मोटर की वाइंडिंग कहीं ना कहीं जल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये फुल, जब हम फुल थ्रॉटल देते हैं तो मैंने मीटर से देखा था ये लगभग 10 से 12 एम्पियर ये मोटर कंज्यूम कर रही थी, और 10 से 12 एम्पियर जा रहे हैं, आप देखिए अंदर वाइंडिंग वायर देखिए आप, ठीक है, बहुत ज्यादा थिक वायर नहीं है, तो ये 10 से 12 एम्पियर आधे घंटे ये वायर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, भले ये 3 फेज की है, तो आधे घंटे मैंने इसको चलाया था लगातार 20 मिनट, तो 20 मिनट यानी 20 मिनट में ये मोटर काफी ज्यादा गर्म हो गई थी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, अगर हमें इस मोटर का टेबल फैन बनाना है तो हमें इसको केवल 5 से 10% ही थ्रोटल पर चलाना होगा। तो देखिए बस, इनफैक्ट इससे भी कम। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों, चाहे आप इसको कम थ्रोटल दें या ज्यादा, ये जो है नॉइस बहुत करती है, आप वीडियो में सुन ही सकते हैं कितना नॉइस करती है, सुनिए थोड़ी सी,
ठीक है, तो जब इतना नॉइज करेगी तो इसका टेबल फैन बनाना आप फिर भी चाहते हैं तो बना सकते हैं, मगर आप इसको 10% से ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करेंगे, बस इतना। तब तो ये मोटर आपकी 5-6 घंटे एक बार को चल भी जाएगी, और मुझे नहीं लगता इसका टेबल फैन बनाने से कोई खास फायदा है इस मोटर का। जो इस मोटर को बनाया गया था वो ड्रोन के लिए ही बेसिकली खास तौर से डिजाइन किया गया था, इसलिए। बाकी इसकी ESC अभी मैंने थोड़ा सा एक्सीलरेटर दिया इसको, थोड़ा सा ही इसको हमने पावर दी, और इतने में थ्रोटल में ही इसका ESC हल्का 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 वार्म हो रहा है। तो इसका ESC सबसे पहले डैमेज होता है, उसके बाद मोटर डैमेज होगी, सर्वो टेस्टर डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों की मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बनाना चाहें परचेस करना चाहें कर सकते हैं। बाकी टेबल फैन के हिसाब से ये मोटर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। टेबल फैन में चलाना है तो उसको 5-10% थ्रोटल पर आप चला सकते हैं, और बैटरी आप 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी भी यूज कर सकते हैं और लिथियम बैटरी भी यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू।